नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अटेंशन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव अगले साल के अंत में होने हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस अभी से अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। दोनों दलों का फोकस बूथ पर है। बीजेपी ने पहले 65,000 बूथ पर पहुंचने के लिए बूथ विस्तारक अभियान चलाया, तो अब कांग्रेस भी घर चलो घर घर चलो अभियान के तहत घर घर पर दस्तक दे रही है। दोनों दलों के ये अभियान कितने सफल होते हैं, ये तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन दोनों दल अभी से एक दूसरे के अभियान पर सवाल उठाकर क्या जताना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। आज अटेंशन में इसी को लेकर करेंगे चर्चा। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का वक्त बचा हो, लेकिन दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस में अभी से मतदाताओं को अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। लेकिन इनका फोकस अपने दल के कामों से ज्यादा दूसरे दलों के अभियान पर है। यही कारण है कि वे अपनी बात करने की बजाय दूसरे की खामियां तलाश कर रहे हैं। ताजा मामला बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान और कांग्रेस के घर घर चलो अभियान से जुड़ा है। कांग्रेस प्रदेश में घर चलो घर घर चलो अभियान चला रही है। इस अभियान के जरिए पार्टी जनता के बीच पकड़ बनाने में जुटी है। कांग्रेस जनता की समस्याओं और मुद्दों की जानकारी जुटा रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस इस बार उन 80 विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस कर रही है जहां उसे 2018 के विधानसभा चुनाव में कम मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने जनता की नब्ज टटोलने के लिए इन सीटों पर इंटरनल सर्वे शुरू कर दिया है, ताकि चुनाव में टिकट वितरण के मद्देनजर अभी से क्षेत्र में सक्रिय नेताओं को चिन्हित किया जा सके। सभी विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट के आधार पर जनता की मांग समस्याओं का ड्राफ्ट तैयार कर पार्टी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुटी है। घर घर चलो अभियान के जरिए युवा कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और बढ़ते अपराध जैसे मुद्दों पर हर घर में चर्चा कर रही है, ताकि जनता को इन मुद्दों के जरिए कांग्रेस के साथ जोड़ा जा सके। इसके अलावा 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान प्रदेश में जो काम हुए, उन कामों की जानकारी भी जनता को बताई जा रही है। इस अभियान के तहत लोगों को मौजूदा सरकार की नाकामियों के बारे में बताया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि एक आंदोलन के रूप में 2023 और 24 तक ये अभियान जारी रहेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद ये पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है, लेकिन बीजेपी इस अभियान में कई खामियां निकालती नजर आ रही है। देखिए, बहुत जोरदार मामला कीर्तिमान स्थापित किया है कमलनाथ जी ने, दस्तक वो भी गाड़ी से। ये एक नया नायाब तरीका है, घर घर में दस्तक दे रहे हैं और गाड़ी से उतर नहीं रहे। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरते थे, अब नेता प्रतिपक्ष बन गए तो गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे। और ये कैसा घर घर अभियान, जो केवल और केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया कमलनाथ की। कहाँ है दिग्विजय सिंह, कहाँ है सुरेश पचौरी, कहाँ है अरुण यादव जी? ये केवल और केवल ढकोसला है। और कमलनाथ जी ने तो कल इंतहा कर दी जब वो गाड़ी से उतरे नहीं और जनता से मिल लिए। वारे कमलनाथ जी और वारे उनका अभियान। कांग्रेस की तरह ही बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान चल रहा है, जिसके तहत 65,000 बूथों तक पहुंचने का संकल्प था। यह अभियान पहले 30 जनवरी तक चलना था, लेकिन इसे बढ़ाकर 5 फरवरी तक कर दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य था कि हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाना है। साथ ही बूथ विस्तारक योजना में मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायकों सहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों को बूथ विस्तारक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन सभी लोगों को अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में भेजे गए विस्तारकों के साथ प्रवास करने का लक्ष्य दिया गया था। साथ ही विस्तारक के लिए 10 दिन तक हर दिन 10 घंटे यानी कि कुल 100 घंटे का योगदान इस अभियान के लिए देना तय किया गया था। इस वर्ष संगठन पर्व के वर्ष पर, जो ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, हमने एक बहुआयामी योजना बनाई थी कि संगठन कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण के लिए बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत हर कार्यकर्ता 10 दिन 10 घंटे यानी 100 घंटे का समय देकर ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन के काम में विस्तार की योजना में अपनी भूमिका निभाएगा। आज मुझे इस बात का गर्व है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेतृत्व पर, कि अथक मेहनत
और इस योजना का इतना दूरगामी परिणाम हुए हैं कि मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिसको एक्टिविज्म कहते हैं, आज उतर करके जमीन पर एक प्रभावी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने भाजपा के बूथ विस्तारक कार्यक्रम को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने इस अभियान को महाफ्लॉप करार दिया है और कहा है कि भाजपा के तमाम नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। आज 5 फरवरी भी समाप्त हो रही, कांग्रेस भाजपा से सवाल पूछ रही है कि वह पूरे आंकड़े जारी करे कि किस किस नेता ने बूथों पर 100-100 घंटे पूरे किए, क्या शिवराज जी के 100 घंटे पूरे हुए, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के 100 घंटे पूरे हुए, क्या नरोत्तम मिश्रा कैलाश वर्गीय के 100 घंटे पूरे हुए, क्या नरेंद्र तोमर फग्गन सिंह कुलस्ते के 100 घंटे पूरे हुए, क्या उमा भारती और तमाम नेताओं के 100 घंटे पूरे हुए, भाजपा इसका जवाब दे। कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि भाजपा के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं ने इस अभियान से दूरी बनाई, क्योंकि इसके पीछे कारण भाजपा का अंतर्कलह गुटबाजी है, क्योंकि यह कार्यक्रम वीडी शर्मा ने जारी किया था, इसलिए तमाम नेताओं ने इसका बहिष्कार किया और सभी बड़े नेता बूथों पर 100-100 घंटे नहीं पहुंचे, दिखावटी तौर पर एक एक बूथ कुछ घंटे के लिए गए। लंबे समय से वीडी शर्मा कांग्रेस के निशाने पर रहे हैं, कुछ ऐसे ही कोई बयान देते हैं कांग्रेसी उन पर हमलावर हो जाते हैं। दिग्विजय और शर्मा का बैर भी किसी से छिपा नहीं है। सवाल वही है कि पहले अपने घर की ठीक करना चाहिए या पड़ोसी के घर की चिंता करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो दोनों ही दल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ तक कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके सवाल यही है कि पहले आप अपना कार्यक्रम कर लीजिए, आप अपने बूथ को मजबूत कर लीजिए, उसके बाद दूसरी पार्टी पर सवाल उठाइए। लेकिन नहीं, ये पूछना जरूरी है कांग्रेस की तरफ से कि आपके कौन से नेताओं ने 100 घंटे पूरे किए या नहीं। सवाल तमाम है, हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर सर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर धाकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धाकर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चंद्राकर साहब, आपसे ही शुरू करते हुए, बूथ विस्तारक कार्यक्रम, घर घर चलो अभियान, दोनों को आप कैसे देखते हैं और जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, इन्हें आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, दो विपरीत राजनीतिक दल हैं और दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, लेकिन मूल बात यही है कि जो बूथ विस्तारक कार्यक्रम है, बूथ विस्तारक अभियान है भाजपा का, और दूसरी ओर जो है कांग्रेस का घर घर चलो अभियान है, उसमें दोनों में बहुत बेसिक अंतर है। देखिए, जो घर घर चलो अभियान है, वो सतही तौर पे मुझे नहीं लगता कि गहराई से कि जनता तक जाए और बूथ पे जाए और अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को कोई समझाइश दे, इस तरह का कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। घर घर चलो में एक तो जो पार्टी छोड़ के बाहर चले गए हैं कांग्रेस से, उनको वापस लाने की बात है और घर घर जाने की बात है, लेकिन घर घर जा नहीं पाई है कांग्रेस, अभी तक नहीं जा पाई है। और कांग्रेस के समग्र नेता जिनको मैदान पे उतरना चाहिए, पूरे पार्टी को उतरना चाहिए, मध्य प्रदेश के खास तौर पे जिन जो नेता कमलनाथ के अतिरिक्त जो जैसे दिग्विजय सिंह जी हैं, सुरेश पचौरी जी हैं, अजय राहुल सिंह जी हैं और दूसरे नेता हैं, अनन्य नेता हैं, उन सबको जो है इस अभियान में झोंक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाजपा का जो बूथ विस्तारक अभियान है, उसमें एक तो पहली बात जो है ना, केंद्रीय मंत्री स्तर पर मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों को, संगठन से जुड़े प्रायः सभी पदाधिकारियों को पहले जिम्मेदारी दी गई, पहले सूची भी जारी की गई उसकी कि इनको ये क्षेत्र के इस अमुक दिनांक पर जिम्मेदारी दी जा रही, और हम लोग लगातार मीडिया में देख भी रहे हैं कि वो लोग जा भी रहे हैं बूथ विस्तारक अभियान के तहत, बूथ विस्तारों की बूथ स्तर पर बैठकें भी कर रहे हैं। तो दोनों में बेसिक अंतर है, एक तो मैं सोचता हूं कि कांग्रेस का कार्यक्रम सतही तौर पर चल रहा है, लेकिन भाजपा का कार्यक्रम हमने देखा कि बहुत जमीनी स्तर पर जाके जो है लोगों को समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, दोनों अभियान को लेकर के जो बयानबाजी चल रही है, वो बयानबाजी राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, लेकिन हाँ, दोनों कार्यक्रम जो है, चाहे भाजपा का कार्यक्रम हो, कांग्रेस का कार्यक्रम हो, 1.5-2 साल बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसकी समग्र तैयारियां अभी शुरू कर दी गई है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बीजेपी का फोकस जो है, अभी जो है कई बार जीतने के बाद पिछले चुनाव
18 के चुनाव में जो है हार चुकी है, जो 55 से 60 सीटें हैं भाजपा की, इन सीटों पर वो पुनः वापसी के लिए प्रयास कर रही है, उन पर फोकस है, ऐसा जो है उनके राजनीतिक नेता, उनके उनके संगठन से जुड़े या मंत्री लोग ये बात बताते हैं दबे तौर पर कि हमारा फोकस इस तरह का है। लेकिन कांग्रेस का फोकस लगभग लगभग 60-65 ऐसे विधानसभा चुनावों पे है जहां कम मार्जिन से पिछली बार 19 के चुनाव में 18 के चुनाव में उनकी हार हुई है। तो मुझे लगता है कि अभी से पूरी तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां दोनों ही दल कर रहे हैं और ऐसे में एक दूसरे के अभियान पर आवाज उठा करके उस पर उसकी आलोचना करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश राजनीतिक कोशिश भर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनसे बहुत ज्यादा कोई जनता प्रभावित होने वाली है या कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन होने वाले हैं। जी पारुल जी, धगर साहब सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं आने वाले समय में का बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहा ही जाता है कि वो ऑल टाइम चुनावी मूड में रहते हैं। बात हम मध्य प्रदेश की कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में अभी यह जो अभियान शुरू हुए हैं इसको भी आने वाले चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन क्या जैसे चंद्राकर सर ने भी बताया कि जिन सीटों पर या तो कम मार्जिन रहा या तो हारे हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जुट गई है अभी से, लेकिन कांग्रेस जिसके लिए विश्वास सारंग जी आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि कमलनाथ जी गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे हैं, तो क्या घर चलो घर घर चलो अभियान से कांग्रेस की स्थिति दुरुस्त होते हुए दिखाई दे रही है, काम कर रहे हैं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पार्टियां काम करने में जुट गई हैं, कांग्रेस भी अपने आप को ही बता रही है कि हम भी काम करने में जुट गए हैं, हम भी बूथों तक जा रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई धरातल पर उतरता हुआ दिख रहा है? अगर चुनावी लिहाज से है तो क्या अगर काम जो कांग्रेस कर रही है उससे मजबूत हो पाएगी? कि ये क्या है कि कांग्रेस और भाजपा का बेसिक काम करने का अंतर दोनों का डिफरेंट है। भाजपा आपको क्या है कि भाजपा एक संगठित तौर पर काम करती है, मतलब उसमें ये नहीं जिम्मेदारी कि आपको टिकट मिलने वाला है कि आप क्षेत्र के विधायक है या जिला अध्यक्ष के आप काम कराएंगे, वो पार्टी मॉनिटरिंग का मुख्यालय से होती है, हेडक्वार्टर है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी पूरा सेटअप जमा हुआ है, वहां से मॉनिटरिंग होती है, बूथ पर मॉनिटरिंग होती है कि किन नेताओं को आज बूथ पर जाना था, जो प्रदेश के जो दिल्ली में नेता है, प्रदेश के बड़े नेता है या जिले में जो भी है उनकी मॉनिटर शाम को रिपोर्ट कार्ड पेश होता है कि आप बूथ पे गए थे, कितने घंटे रहे थे, वहां पे किस किस से मिले थे, पूरा रिपोर्ट आता है। उसकी दूसरी तरफ कांग्रेस का क्या, कांग्रेस में से कल्चर नहीं है, कांग्रेस तो अपने हिसाब से चलती है, ऐसा नहीं है कांग्रेस का कोई अभी है, कांग्रेस की पुरानी कल्चर है उनका, भारतीय जनता पार्टी से कल कंपेयर नहीं कर सकते। फिर ये कि जो उनका कांग्रेस का अभियान चल रहा है घर चलो घर घर चलो अभियान वाला, वो इसलिए दिख नहीं दे रहा है कि कांग्रेस उस समय है नहीं है। जिस अंदाज में कांग्रेस की फौज जब उसकी सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की टीम हुआ करती थी जिलों में, वो ब्लॉक स्तर पर गांव लेवल पर वर्कर हुआ करते, तो वो है नहीं है। कारण क्या है कि कांग्रेस पार्टी में अभी जो देखेंगे तो लीडर कौन है, वो ही है जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले नेता थे प्रदेश में, वही आज भी वो कमांड कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या नए नेताओं को या युवाओं को आगे बढ़ाया नहीं है सेंटर में, इसलिए वो दिख नहीं रही है। इसका परिणाम वो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना बूथ विस्तार शुरू किया, उसके उसके चलते कांग्रेस ने अपना चुनाव चुनाव आगे चल के बहुत चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होना है, अपना नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, अगर कोर्ट का रास्ता ठीक रहा तो, मतलब उसका कोर्ट का माहौल ठीक रहा तो, जवाब ठीक रहा तो उसके चुनाव होंगे चुनाव से पहले। वैसे भी क्या कि चुनाव जो अगले साल जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें ज्यादा वक्त पता नहीं है। मुझे जो जो लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों में जैसे कि अभी 5 राज्यों को चुनाव परिणाम जैसे आएंगे मार्च अगले महीने जो आएंगे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अप्रैल के बाद मई के बाद में चुनावी मूड में ऑलरेडी आ जाएगी। आप देखेंगे कि सरकार के जो कार्यक्रम होंगे या पॉलिटिकल पार्टी कार्यक्रम होंगे वो अगले जो अगले साल जो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होगा उसके मद्देनजर होंगे, क्योंकि एक साल का धारा लेके चलते ही है पॉलिटिकल। और कांग्रेस का भी यही है, कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है घर घर चलो अभियान चल रहा, वो भी उसी के मद्देनजर रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो क्योंकि बेसिकली कि कांग्रेस की समस्या क्या है कि कांग्रेस का उतना स्टेप अपना क्या संगठन मजबूत किया नहीं है, किसी ने फोकस ही नहीं किया। कमलनाथ जी डेढ़ साल मुख्यमंत्री है तो उनने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, ये बात सही आती बीच बीच में आती है कि कमलनाथ जी की एक और दिक्कत है ना कि वो भाई काफी सीनियर लीडर हो चुके हैं, वो अब इतना तो स्ट्रगल कर नहीं सकते जो कि बीडी शर्मा जी कर सके हैं। बीडी शर्मा जी लगातार दौरे कर रहे हैं, शिवराज जी भी कर रहे हैं दौरे, लेकिन उसके कंपेयर ही करें तो कमलनाथ जी क्योंकि उनका भी अपना चूंकि उम्र का एक हवाला है, उन उम्र की काफी उम्र है उस तरह और नहीं फील्ड में रनिंग नहीं कर सकते। दूसरा चीज ये कि वो कांग्रेस में क्या है कि जहाँ नेता जाते हैं वहाँ छोटे वर्कर इकट्ठा हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी एक रही है। भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि जिसको जहाँ जिम्मेदारी दी है
कि भाई आपको फलाने बूथ पे पहुंचना है, फलाने नंबर पे पहुंचना है, तो वहां जाएगा, कोई वर्कर जाए उनके साथ में जाए नहीं, भीड़ हो ना, लेकिन वहां उसको पहुंचना है और संबंधित आदमी से कॉन्टेक्ट करना होता है, इसकी उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है। सरकारी व्यवस्था की तरह ऐसे सरकारी अधिकारी ड्यूटी लगती है आपको वहां दौरा करके आना, रिपोर्ट सबमिट करनी है, ऐसी कांग्रेस वो भारतीय जनता पार्टी में होता है। तो कांग्रेस पार्टी में क्या है कि थोड़ा उनको अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत है, नए लोगों को भर्ती करने की जरूरत है, नए लोगों को जोड़ने आगे बढ़ाने की जरूरत है, उनको संवाद करने की जरूरत है। कांग्रेस में क्या है, संवाद की कमी है। बड़े नेता क्या है कि संवाद छोटे कार्यकर्ताओं से उतना आसानी संवाद नहीं कर पाते जितनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी में संवाद हो जाता है। तो ये उसकी बेसिक दिक्कत जो आती है कांग्रेस में वो है कि नए नए जो बंदे आ रहे हैं उनको उतना तवज्जो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कम से कम यदि कोई नया वर्कर है उसको भारतीय जनता पार्टी में वो अपने अध्यक्ष से मिल सकते हैं आसानी से, तो उसी कंपेयर टीम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी जो छोटे वर्कर है कार्यकर्ता है उनको अपने अध्यक्ष से मिलने का मौका मिलना चाहिए कम से कम, वो नहीं है, उसकी संवाद की काफी कमी है। बिल्कुल, जितना हमारे देश में हम सत्ता पक्ष को मानते हैं उससे डबल मजबूत हमें चाहिए कि विपक्ष भी हो, सवाल पूछने में, मुद्दों को उठाने में, आंदोलन प्रदर्शन करने में, ताकि जनता की आवाज़ को बुलंदी के साथ सत्ता पक्ष के सामने रखा जा सके और सवाल पूछे जा सके। लेकिन विपक्ष किस तरह से हमें कमज़ोर होता है वो दिखाई दे रहा है। खिलावन सर, कमलनाथ जी की बात हो रही है कि दारोमदार पूरा वजन जो है उनके कंधों पर है, बाकी लोगों को तैयारी नहीं किया जा रहा है। अब वो जैसे हकर साहब ने कहा कि वी डी शर्मा साहब की तरह स्ट्रगल तो कर नहीं सकते कि घर घर जाएं, कार्यकर्ताओं के साथ गांव गांव तक घूमें, लेकिन अगर करना उन्हें ही है, लेकिन वो कर नहीं सकते, वो स्ट्रगल उनके बस की बात नहीं है, ऐसा समझाने की कोशिश हुई। लेकिन अगर हम सेकंड लीडरशिप को अगर डेवलप ही नहीं कर रहे हैं और बाकी लीडर्स को हम चांस नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे को काटने पर ये तमाम जो कांग्रेस के हम जो लीडर्स देखते हैं उनकी बात हो रही है, अरुण यादव जी को बिठा दिया गया है, दिग्विजय सिंह हम देख रहे थे अभी हाल ही में जो राज्य भवन के सामने प्रदर्शन हुआ था उसमें भी हमने काफ़ी तस्वीरें देखी जो बता रही थी कि दोनों में आपस में बन नहीं रही है। तो आखिर कांग्रेस का आगे फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, इस चुनाव में भी कुछ बात बनती हुई दिख रही है आपको, आने वाले किसी भी चुनाव की बात हम करें? देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ पारुल, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बहुत दूरबीन भी देखे हैं जी। कांग्रेस का आपातकाल की बात आप समझ सकते हैं कि आपातकाल में कांग्रेस की स्थिति क्या, बाद चुनाव जो हुए उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई थी, उसके बाद फिर से उठ खड़ी हुई, दौड़ने लगी, लगातार दौड़ती रही, 2015 तक दौड़ती रही, 16 में फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ। तो मुझे लगता है कि देखिए दो बेसिक अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर अभी पूरी तरह से 60% कब्जा जो है कमलनाथ जी का है। कमलनाथ दोहरे पद पर है, एक तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, दूसरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो एक तो जो दूसरे लोग काम करने के लिए लाइन पे खड़े हैं उनको अवसर नहीं मिल पा रहा ऐसा लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जैसे रामेश्वर जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, जो द्वितीय श्रेणी के सेकंड पंक्ति में आके खड़े हुए हैं और अग्रिम पंक्ति में जाने की सोच रहे हैं जो कांग्रेस के नेता, उनको अवसर मिल ही नहीं पा रहा है। जबकि भाजपा में ऐसा नहीं है, भाजपा ने आपने देखा कि बी डी शर्मा जैसे युवा नेताओं को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, बहुत सारे और ऐसे नाम मैं गिना सकता हूं जिनको जो है वास्तव में जो है बहुत कम उम्र में मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी, बहुत कम उम्र में जो है उनको अवसर मिला और आज बेहतर तरीके से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, ये बात है। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देखिए कांग्रेस के पास तो बहुत कुछ ऐसा आभा मंडल नहीं है, लेकिन भाजपा के पास क्योंकि केंद्र में सरकार है तो 5-6 जो केंद्रीय मंत्री है उनका भी आभा मंडल मध्य प्रदेश में है, वो भी समय समय पर संगठन जो जिम्मेदारी सौंपती है उसको निर्वहन करते हैं। आपने देखा होगा चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो टीकमगढ़ के सांसद जी हो, चाहे कोई भी जो भी हो, फग्गन सिंह गुलस्ते हो, जिनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है केंद्रीय मंत्री के रूप में संगठन द्वारा, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति जो है मध्य प्रदेश में सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जो है सक्रियता से जो भी कार्यक्रम उनको दिए जाते हैं वो करते हैं। संगठन भाजपा का संगठन बेहतर है, मजबूत है कांग्रेस की अपेक्षा, तुलनात्मक दृष्टि से और मध्य प्रदेश में जो दूसरे दल है उसकी अपेक्षा सबसे ज्यादा मजबूत यदि संगठन है, जो बूथ स्तर पर भी जिनके कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव के समय मतदाताओं को घरों से बाहर निकल के निकाल के मतदान केंद्र तक ले जा सकते हैं,
बीच रास्ते में लगातार चुनाव प्रचार के दौरान उनका मन परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे कार्यकर्ता भाजपा में है, लेकिन कांग्रेस में अभी इस बात का अभाव देखा जा रहा है। उसका मुख्य कारण यही है कि एक तो सरकार नहीं है उनकी, केंद्र में और राज्य में सरकार नहीं है, जो कुछ निर्भर करना है संगठन पर ही निर्भर करना है, तो संगठन को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा, द्वितीय पंक्ति के लोगों को जो लाइन पे खड़े हैं उनको जब तक जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, दायित्व नहीं दिया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस भाजपा जैसे मजबूत संगठन से और किसी भी चुनाव में वो पार पा सके, ऐसी स्थितियां मुझे अभी तक तो नहीं लगती है। जी पारुल धाकर साहब, वो भी तब रामेश्वर साहब कि जब हम देख रहे हैं कि सिंधिया जी गए तो आधे से ज़्यादा फौज लेकर गए, खासतौर पर ग्वालियर चंबल की, ऐसे में हम देख रहे हैं जो भी विधायक जुड़ते गए उनके साथ कई सारे कार्यकर्ता भी टूटकर जुड़ते गए, तो कई जगहों पर तो स्थिति खाली है, वहाँ पर कैसे काम करेंगे नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, फिर वो कार्यकर्ता उतने टैलेंटेड हैं कि नहीं, वहाँ पर वो टीम खड़ी कर पाएंगे कि नहीं, किस तरह से इस अभियान को आगे पहुँचाना कांग्रेस कर पाएगी, क्योंकि ये तमाम चीजें होनी तो कार्यकर्ताओं के दम पर ही हैं। धाकर साहब, वही बात मैं पहले ही बोल रहा है कि जो आपने बोला जिक्र किया है कि ग्वालियर चंबल के सिंधिया जी आने से, तो वहां काफी स्पेस है कांग्रेस पार्टी का काम करने के लिए। लेकिन एक कांग्रेस की एक और थोड़ी सी खूबी ये रही हमेशा से, पिछला रिकॉर्ड देखते कांग्रेस का चलो वाली है, मतलब ये कि कांग्रेस आवाज लगे चलो चलो इकट्ठा हो जाए, तो वो झुंड वाली है। मतलब ये तो अपन पहले कहते आते कि सिंधिया कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस, अजय सिंह कांग्रेस, अरुण यादव कांग्रेस, तो वही है कांग्रेस का एक मतलब समूहों का संगठन होता है कांग्रेस में, वो कांग्रेस का अपनी कल्चर में पहले ही कहता हूँ कांग्रेस अपना कल्चर है, कांग्रेस का उठो ऐसे की एक तरह से जोश बढ़ने वाली है, उठो चलो लड़ना है ऐसी है। तो ग्वालियर चंबल का खाली है, उसमें अगर ये थोड़े से अपने लोग नेताओं को, क्योंकि वहां भी ऐसा नहीं है कि एकदम कांग्रेस खत्म हो गई है ग्वालियर चंबल सिंधिया जी के आने से, बिल्कुल नहीं है, वहां भी है कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस के कट्टर लोग आज भी है। लेकिन मैं पहले फिर दोहरा रहा हूं बात को कि कांग्रेस में वही कमी है संवाद की, दूसरी पीढ़ी के नेता, दूसरी सेकंड लाइन के नेता ने खड़े नहीं किए हैं। आप देखिए कि पिछले चुनाव में कमलनाथ जी ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, वो कंप्लीट कर सके, आप जीतू पटवारी को एक्टिव कर दीजिए, आप रामनाथ रावत को एक्टिव करिए, आप सुरेंद्र चौधरी को क्षेत्र, आपने पहले 4 प्रदेश को 4 संभागों 4 भागों में बांट के अलग अलग अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, उन्हीं अध्यक्षों को आप फुल टाइम दौड़ा दी फील्ड में, उन्हीं को कीजिए आप दौरे कीजिए, आप बकायदा लोगों को संपर्क कीजिए, नई पीढ़ी खड़ा कीजिए, आप ब्लॉक अध्यक्ष पे बूथ पे आप टीम बनाइए, ये किसने मना किया? लेकिन आप करना नहीं चाहते चुकी है, क्योंकि अभी हाल ही में जो महिला कांग्रेस की टीम बनाई थी वो अर्चना जायसवाल जी ने, तो वो जारी होने के सेकंड 24 घंटे के अंदर स्पष्ट कर दिया। ये तो कांग्रेस में अभी भी क्या है कि खींचतान मची हुई है कि मेरा वोट मेरे लोगों को नहीं किया, मेरे इन लोगों को तवज्जो मिल रही है, तो वो ये इससे कांग्रेस को उभरना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि सामने जो विरोधी खड़ा है कांग्रेस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी, वो एक बड़ा बड़ा दल बन चुका है, उसको भेद पाना, उसको हरा पाना इतना आसान नहीं है कि पहले की तरह हो जाए कि चलो इकट्ठे हो लड़ना है, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरह मजबूत बनना पड़ेगा, उसकी तरह आपको खड़ा होना पड़ेगा, गांव में आपको संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काफी स्टेबल हो चुकी है, जो भी जो ये बूथ स्तर में चल रहा है वो बेसिकली क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2018 के चुनाव में जहां 120 सीटों पर हारी थी, 121 सीटों पर जो हारी थी, वहां इनका सेटअप जमा कर मजबूत करने का है कि भाई क्यों आ रहे हैं। अब दूसरा फायदा इनका ये हुआ है कि बूथ पे है कि अगर चाहे कि भाजपा अध्यक्ष को चाहिए कि मुझे फलाने नंबर बूथ पे है, मुझे भागे वोटर से बात करनी है, तो वो एक झटके में बात कर सकते हैं लाइन पे लेके, उनका क्या डाटा मजबूत हो रहा है, उनका पूरा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जो चुनाव को, ये डिजिटलाइजेशन जो भारतीय जनता पार्टी जिस रुख की तरफ हम देख रहे हैं 2014 से ही डिजिटलाइज होने की कगार पर आगे बढ़ गई थी, और अभी भी कहा जा रहा है कि बूथों को भी डिजिटलाइज किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस पर भी मिशन मोड पर काम कर रही है, एक बात तो ये खिलावन सर, दूसरा ये भी कि कांग्रेस में जिस तरह से अभी बताया कि हम सुधर रहे हैं, हमारी पार्टी में सुधार आ रहा है, लेकिन वो सुधार दिख नहीं रहा है कांग्रेस में, क्योंकि अभी जो अर्चना जायसवाल जी का जिसका सभी धाकर जी ने किया वो अभी भी बरकरार है, तो सुधार कैसा हो रहा है ये तो कांग्रेस ही जाने। पारुल जी, अभी आपने देखा होगा कि हफ्ते भर पहले जब कमलनाथ जी दिल्ली के प्रवास पर थे, तब बात ये तय हुई थी कि लगभग एक दर्जन जिलाध्यक्ष ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के जिनको
इनको या तो वो इच्छा व्यक्त कर चुके हैं कि हमें बदल दीजिए, किसी दूसरे को अवसर दीजिए, या पार्टी ये सोचती है कि ये बेहतर तरीके से जो कार्यक्रम तय करते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, उसको जिला कांग्रेस जो है अचीवमेंट नहीं कर पाती है। तो ऐसे ऐसे लगभग एक दर्जन अध्यक्ष हैं जिनको बदला जाना बहुत जरूरी है। लगभग ऐसी 3 से 4 दर्जन ब्लॉक अध्यक्ष ऐसे हैं जो या तो अनिच्छा व्यक्त कर चुके हैं, व्यक्त कर चुके हैं कि हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारी इस तरह की मजबूरियां हैं, या तो वो काम बेहतर ढंग से नहीं कर रहे हैं कि पार्टी की दृष्टि से, तो उनको ही बदला जाना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा अर्चना जायसवाल वाली टीम का उदाहरण रामेश्वर जी ने भी दिया, आप भी बता रही हैं। निश्चित रूप से हम लोगों ने देखा कि उनको जो है विद इन 12 घंटे जो है उसको स्थगित करना पड़ा और अभी तक उसके बाद घोषणा नहीं हो पाई। लगभग यही जो भाजपा कांग्रेस के जो और विभाग हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का विभाग हो, चाहे किसान कांग्रेस का विभाग हो, चाहे यूथ कांग्रेस का विभाग हो, चाहे NSUI का विभाग हो, चाहे और दूसरे जो जितने भी कांग्रेस के विभाग हैं या संगठन है सहयोगी संगठन, उन सब में कमोबेश यही स्थिति है। कुल मिला के ये मेरा ये मानना है कि जब तक कांग्रेस को मजबूत स्तर पर संगठन नहीं मिलेगा, संगठन करता नहीं मिलेंगे, तब तक यही स्थिति बरकरार रहेगी और आने वाले चुनाव तक 23 के नवंबर दिसंबर तक यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को फिर से सत्ता से हाथ धोना पकड़ेगा। और इसलिए कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जो भाजपा की डिजिटलाइजेशन पर भी हम कर ले, समय थोड़ा सा कम है। निश्चित तौर पे आज जो है सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार, कोई भी बात एक छोटी सी बात उठती है उस पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे लगातार आने लगती है। तो या तो व्यवस्थाओं का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, जो कंप्यूटरीकृत व्यवस्था है उससे बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। एक नज़र में आपको पूरा चार्ट दिख जाता है कि कहाँ कौन सी स्थिति है, कार्यकर्ता कितने हैं, कौन से जिले से कितने सदस्य बनाए गए। सदस्यता अभियान में भी इस बात का उल्लेख होना चाहिए। तो इसका अभाव कांग्रेस में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, जबकि भाजपा के पास पूरी एक टीम काम कर रही है। वो उसका लाभ मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी भाजपा को मिलेगी। लेकिन ट्रेंड है, पूरी टीम इतना उनसे काम करवा रही है, पूरा ट्रेंड हो गए हैं वो। पूरा ट्रेंड हो गया है और ट्रेंड सुधा कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं। बहुत बेहतर बात यह है कि हम लोगों के पास जो मैसेज आते हैं उस मैसेज में कांग्रेस का यदि 5 मैसेज आता है तो भाजपा के 125 मैसेज आ जाते हैं अपने पास। इतना अंतर है और इस अंतर को पाटना कांग्रेस को जरूरी है। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना पड़ेगा, अपनी टीम को सक्रिय करना पड़ेगा, तभी आने वाले चुनाव में बराबरी का मुकाबला दिखता है। पारुल, मुझे नहीं तो संभव किसी भी राज्य की राजनीति को समझना हो तो वहां के धुरंधर पत्रकारों को बिठाइए और इस तरह की चर्चा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को समझाया। खिलावन सर, धाकड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से अभियान चला रही हैं, फिर चाहे बूथ विस्तारक अभियान भारतीय जनता पार्टी का हो या घर चलो घर घर चलो अभियान कांग्रेस का हो, लेकिन दोनों में क्या अंतर है और दोनों जो जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं उससे उन्हें आगे क्या फल हासिल होगा, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे थे। और वर्तमान में जो हम देख रहे हैं कि परिस्थितियाँ कांग्रेस के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि महिला कांग्रेस की भी हम बात करें, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप बूथों पर काम कर रहे हैं, दूसरी महिला विंग की एक सूची 12 घंटे में उसे स्थगित कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। तो कांग्रेस में बदलाव किस तरह का हो रहा है इस पर भी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष की मजबूती बेहद जरूरी है। फिलहाल अटेंशन में इतना ही, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।